अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, एक तहकीक के मुताबिक पानी के बाद चाय दुनिया का मकबूल तरीन मशरूब है और दुनिया में रोज़ाना 2 अरब लोग अपने दिन का आगाज़ चाय की गर्मा गर्म प्याली से करते हैं। ये अलग बात है कि इस दौरान कम ही लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि यह मशरूब जो इनके मिजाज को फरहत और दिमाग को चुस्ती बख्शता है, इन तक कैसे पहुँचा। चाय की ये कहानी के किसी सनसनीखेज नावल से कम नहीं, ये ऐसी कहानी है जिसमें हैरत अंगेज इतफाक़ात भी हैं, पुरफरेब जासूसी मुहिम जोइयाँ भी, खुशकिस्मती के लम्हात भी और बदकिस्मती के वाक़यात भी। चाय का आगाज़ कैसे हुआ, इसके बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं। एक के मुताबिक कदीम चीनी दियो मालाई बादशाह शिवनिंग को सफाई का इस कदर ख्याल था कि इसने तमाम राया को हुक्म दिया कि वो पानी उबाल कर पिया करें। एक दिन किसी जंगल में बादशाह का पानी उबल रहा था कि चंद पत्तियाँ हवा से उड़कर देजकी में जा गिरी। शिवनिंग ने जब ये पानी पिया तो ना सिर्फ इसे जायका पसंद आया बल्कि इसे पीने से इसके बदन में चुस्ती भी आ गई। ये चाय की पत्तियाँ थी और इनके फवायद के तजर्बे के बाद बादशाह ने आवाम को हुक्म दिया कि वो भी इसे आजमाएं। यूं ये मशरूब चीन के कोने कोने तक फैल गया। यूरोप सबसे पहले 16वीं सदी की इब्तदा में चाय से आशना हुआ जब पुर्तगालियों ने इसकी पत्ती की तजारत शुरू की। एक सदी के अंदर अंदर चाय दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पी जाने लगी, लेकिन ख़ास तौर पर यह अंग्रेज़ों को इतनी पसंद आई कि घर घर पी जाने लगी। व्यूअर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी मशरक से हर किस्म की अजनास की तजारत की जिम्मेदारी थी। इसे चाय की पत्तियां महंगे दामों चीन से ख़रीदना पड़ती थी और वहां से लंबे समुद्री रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों को तरसील चाय की कीमत में मज़ीद इजाफा कर देती थी। इस वक्त CPAC वाला रास्ता दरियाफ़ नहीं हुआ था, यही वजह थी कि अंग्रेज़ शिद्दत से चाहते थे कि खुद अपनी नौ आबादी हिंदुस्तान में चाय उगाना शुरू कर दें ताकि चीन का पत्ता ही कर जाए। इस मनोमे में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि चाय का पौधा कैसे उगता है और इसे चाय कैसे हासिल होती है। सर तोड़ कोशिशों के बावजूद इस राह से पर्दा ना उड़ सका, यही वजह थी कि अब कंपनी ने रॉबर्ट फॉर्च्यून को इस पुरखतर जासूसी मुहिम पर भेजा था। इस मकसद के लिए इसे चीन की इन इलाकों तक जाना था जहाँ शायद मार्को पोलो के बाद किसी यूरोपी ने कदम नहीं रखा था। इसे मालूम हुआ कि फौजियान सूबे के पहाड़ों में सबसे उम्दा काली चाय उगती है, इसलिए इसने अपने रहबर को वहीं का रुख करने का हुक्म दिया। सर मंडवाने, बालों में नकली मीडियाँ गूंदने और चीनी ताजरों जैसा रूप धारने के अलावा फॉर्च्यून ने अपना एक चीनी नाम भी रख लिया, सिंह हुआ यानी शोखपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ख़ास तौर पर हदायत दे रखी थी कि बेहतरीन चाय के पौधे और बीज हिंदुस्तान मुंतकिल करने के अलावा आप पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि आप इस पौधे की काश्त और चाय की पत्ती की तैयारी के बारे में हर मुमकिन मालूमात हासिल करके लाएं, ताकि इन्हें ब्रुएकार लाकर हिंदुस्तान में चाय की नर्सरियां कायम करने में हर मुमकिन कोशिश की जाए। व्यूअर्स, फॉर्च्यून की मेहनत रंग लाई और बिलाखिर वो हुकाम की आंख बचाकर चाय के पौधे, बीज और चंद मजदूर भी हिंदुस्तान स्मगल करने में कामयाब हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी निगरानी में असम के इलाके में ये पौधे उगाना शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने इस मामले में एक संगीन गलती कर दी थी। फॉर्च्यून जो पौधे लेकर आया था वो चीन के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों के ठंडे मौसमों के आदि थे। असम की गर्म मरतूब हवा इन्हें रास नहीं आई और वो एक के बाद एक करके सूखते चले गए। इससे कबल ये तमाम मुशक्कत बेसूद चली जाती, इस दौरान एक अजीबोगरीब इत्तफाक हुआ। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की खुशकिस्मती कहिए या चीन की बदकिस्मती कि इसी दौरान इसके सामने असम में उगने वाले एक पौधे का मामला सामने आया। इस पौधे को एक स्कॉटिश सयाह रॉबर्ट ब्रूस ने सन 1823 में दरियाफ्त किया था। चाय से मिलता जुलता मुकामी पौधा असम के पहाड़ी इलाकों में जंगली झाड़ी की हैसियत से उगता था, ताहम ज़्यादातर माहरीन के मुताबिक इससे बनने वाला मशरूब चाय से कमतर था। व्यूअर्स, फॉर्च्यून के पौधे की नाकामी के बाद कंपनी ने अपनी तवज्जो असम के इस पौधे पर मरकूज़ कर दी। फॉर्च्यून ने जब इस पर तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये चीनी चाय के पौधे से बेहद करीब है, बल्कि इनकी नस्ल एक है। चीन से स्मगल शुदा चाय की पैदावार और पत्ती की तैयारी की टेक्नोलॉजी और तरबियत याफ्ता कारकुन बेहद कारामद साबित हुए। जब इन तरीकों के मुताबिक पत्ती तैयार की गई तो तजर्बात के दौरान लोगों ने इसे खासा पसंद करना शुरू कर दिया और यूं कॉरपोरेट दुनिया की तारीख में इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी चोरी नाकाम होते होते भी कामयाब हो गई। देसी चाय की कामयाबी के बाद कंपनी ने असम का बड़ा इलाका इस हिंदुस्तानी पौधे की काश्त के लिए मुख्तस करके इसकी तजारत का आगाज़ शुरू कर दिया और एक अशरे के अंदर यहाँ के पैदावार ने चीन को मकदार, मयार और कीमत तीनों मामलों में पीछे छोड़ दिया।
बरामद में कमी के बायस चीन की चाय के बागात खुश्क होने लगे और वह मुल्क जो चाय के लिए मशहूर था एक कोने में सिमट कर रह गया। व्यूअर्स, अंग्रेज़ों ने चाय बनाने में एक बिदत मुतारिफ करवा दी। चीनी तो हज़ारों बरस से खोलते पानी में पत्ती डालकर पिया करते थे। अंग्रेज़ों ने इस मशरूब में पहले चीनी और बाद में दूध डालना शुरू कर दिया। सच तो ये है कि आज भी चीनियों को ये बात अजीब लगती है कि चाय में किसी और चीज़ की अमेजिश की जाए। यहाँ हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों की दूसरी बहुत सी आदत बदल डाली, वहीं वो अपने हुक्मरानों की देखा देखी चाय में ये मिलावटें करने लगे। उर्दू के साहिब तर्ज अदीब व दानिश्वर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब गुबार खातिर में इस बारे में लिखते हैं, पैदावार है और चीनियों की तस्री के मुताबिक 1500 बरस से इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन वहाँ किसी के ख्वाबो ख्याल में ये भी ये बात नहीं गुजरी थी कि इस चोहरे लतीफ़ को दूध की कसाफत से आलूदा किया जा सकता है। मगर 17वीं सदी में जब अंग्रेज़ इससे आशना हुए तो इन्होंने मालूम ही नहीं था कि इन लोगों को क्या सूझी कि उन्होंने दूध मिलाने की बिदत ईजाद की। और चूंकि हिंदुस्तान में चाय का रवाज इन्हीं के ज़रिए हुआ, इसलिए ये बिदत सिया यहाँ भी फैल गई। रफ्ता रफ्ता मामला यहाँ तक पहुँचा कि लोग चाय में दूध डालने की बजाय दूध में चाय डालकर पीने लगे। व्यूअर्स, आज की चाय की इंटरेस्टिंग कहानी यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग उर्दू HD।